दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले ताकतवर लोगों की तवज्जो तुर्की के एक इलाके दियारबाकर की तरफ हो चुकी है। को वहां उनके प्राइवेट जेट में आते जाते देखा गया है। आपको इल्म हो गया होगा मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये भी है कि वो लोग वहां क्यों आ रहे हैं और ऐसा क्या है जो वो लोग इस इलाके में चक्कर लगा रहे हैं। कहीं ये वो जगह तो नहीं जहां इन शैतानी तंजीमों ने जन्म लिया है, जहाँ कई दिलचस्प वाक्यात आज भी जन्म ले रहे हैं। अगर माहिरीनों की माने तो उनके मुताबिक वहाँ कई ऐसे काम हो रहे हैं जिन्हें आज आम मुआशरे में करने का कोई सोच भी नहीं सकता, और वहाँ जमीन के अंदर ऐसे खुफिया तहखाने मौजूद हैं जहाँ तक जाने के लिए सुरंगें खोदी गई हैं, जहाँ तक रसाई एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग इस खास जगह पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, और वो कौन सी खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें दुनिया के टॉप मिलियनेयर, यूएन के बड़े बड़े ऑफिसर, दुनिया के जाने माने सेलिब्रिटीज और सियासतदान हिस्सा ले रहे हैं। बता दूं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वो इलाका है जहां मशहूर शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी के पैदा करने वाले रहते थे, और आज इस तंजीम के लिए खुदा की हैसियत रखने वाले मैत्रस का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये वही मैत्रस है जिसने क्रिसमस त्योहार का आगाज किया था, और ये शैतानी तंजीमें मैत्रस को एक खुदा की हैसियत से याद करती है। दियारबाकर तुर्की के साउथ ईस्ट में दरियाए दजला के किनारों पर बसा हुआ एक स्टेट है जहाँ अक्सरियत लोग कुर्द नस्ल से हैं। यहाँ के जर्जेवन कैल्सी के नीचे मैत्रस का खुफिया टेंपल मौजूद है, जहाँ पर हर साल रोथचाइल्ड और रॉकफेलर के खानदान के लोग जाते हैं। ये दोनों खानदान इस दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले खानदानों में सबसे अमीर और सबसे ताकतवर खानदान है, जो शैतानी तालीमात पर अमल करके शैतान को ही अपना खुदा समझते हैं। वैसे दियारबाकर एक सियाती मुकाम भी है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ प्राइवेट जेट को उतरते और उस किले में दाखिल होते हुए देखा गया है। कई दावों के मुताबिक इस किले के नीचे इन शैतानी तंजीमों ने जमीन के अंदर एक शहर बनाया है जहाँ ये लोग अपनी शैतानी रसूमात अदा करते हैं, और जहाँ इनकी तंजीमें मुस्तकबिल के बारे में किए गए फैसलों पर गौर फिक्र करती हैं। अलग अलग रिवायत के मुताबिक मैत्रस की पैदाइश एक चट्टान के अंदर हुई थी जिसे सूरज देवता ने अपने नुमाइंदे के तौर पर इस जमीन पर भेजा था, और जब वो जवान हुआ तो सूरज देवता ने उसे हुक्म दिया कि वो इस बैल को कत्ल करे, और फिर उसी बैल के खून से तमाम जानदार इस दुनिया में वजूद में आए। ये भी कहा जाता है कि रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई मजहब की बुनियाद रखी थी तो वो उसी मैत्रस की तालीमात पर अमल करते हुए रखी थी। मैत्रस को मानने वाले अपनी खुफिया मीटिंग्स में अजीबो गरीब मास्क पहनकर जाते हैं, जिसकी झलक हमें टॉम क्रूज की एक मशहूर फिल्म में देखने को मिलती है। इस फिल्म में उसे ऐसी ही एक शैतानी मीटिंग में बुलाया जाता है तो उसको एक खास किस्म का मास्क पहनने को दिया जाता है। इस फिल्म में मुकम्मल तौर पर इन शैतानी रसूमात को एक्सपोज किया गया था, लेकिन हैरानी इस बात की है इस फिल्म की रिलीज के कुछ हफ्तों बाद इसके डायरेक्टर की मौत हो गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कत्ल किया गया था। खैर, बात हो रही थी दियारबाकर और इन ताकतवर खानदानों के वहां पर आने को लेकर। तो दोस्तों, ये लोग वहां पे खुफिया तौर पर आते हैं। हम आपको
आपको बता दें, ये किला 1700 साल पहले रोमियों ने बनाया था और 639 ईस्वी तक रोमियों का एक मजबूत गढ़ समझा जाता था। लेकिन इस्लाम आने के बाद यहाँ हालात तेजी से बदलना शुरू हो गए और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत में ये तमाम इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे खिलाफत तक ये किला इन शैतानी तंजीमों की पहुंच से दूर था और इन शैतानी तंजीमों ने सुल्तान अब्दुल हमीद को दुनिया भर की दौलत का लालच देकर फिलिस्तीन, शाम और इस इलाके का मुतालबा किया था। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद, जो इन शैतानी तंजीमों की चालों से बखूबी वाकिफ थे, उन्होंने इन शैतानी तंजीमों की बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई तो इस किले के दरवाजे इस फ्रीमेसन तंजीम के लिए खोल दिए गए। अब सवाल ये भी है कि ये लोग अब तुर्की क्यों जमा हो रहे हैं? क्या इसका ताल्लुक उस हदीस मुबारका से है जिसमें तुर्की यानी कंस्टेंटिनिया का जिक्र है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक अहले रूम अमाक और दाबिक में पड़ाव नहीं डालेंगे तो जब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और दाबिक मुल्क शाम में मौजूद हैं। जब मदीना से एक लश्कर इनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रूम वाले कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे, खुदा की कसम हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने लाचार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे, उसमें एक तिहाई हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा, एक तिहाई शहादत पाएगा, जबकि बाकी बचे हुए एक तिहाई को रोमियों के मुकाबले फतह हासिल होगी और उसके बाद वो मुसलमान कभी इंतिशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, और फिर मुसलमान कंस्टेंटिनिया को फतह करेंगे। दोस्तों, कंस्टेंटिनिया जो तुर्की में मौजूद है, आज दुनिया के जदीद शहरों में इसका शुमार है। जहाँ तुर्की के दूसरे शहरों के मुकाबले ये इस्लामी तालीमात से नफरत करने वाले सेकुलरिज्म और मुस्तफा कमाल की पैरवी में सबसे आगे हैं। इस शहर पर यूरोप का रहन सहन और वहाँ की तहजीब ज्यादा हावी नजर आती है, इसलिए इस शहर को फतह करने की पेशनगोई से ये मुराद भी हो सकती है कि ये शहर कुफारों के कब्जे में चला जाएगा। नईम बिन हम्माद की किताब अल फितन के पेज नंबर 128 पर एक हदीस का हवाला मौजूद है जिसमें जिक्र किया गया है कि सूफियानी तुर्की के साथ लड़ेगा, फिर सूफियानी का खात्मा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। दोस्तों, अगर इस वक्त में अगर रूसी फौज, जो कि तुर्क नस्ल यानी के बनु कतौरा के ईसाइयों का शाम पर गलबे को अगर इसी नजर से देखा जाए तो यही मालूम होता है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम सबसे पहले सरजमीने शाम से रूसी कब्जा छुड़वाने के लिए फौज तैयार करेंगे और पहले शाम को फतह करके यहाँ के मुसलमानों को कुफार और मुलहिदों से निजात दिलाएंगे। दोस्तों, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। हमने एक कोशिश की आपको वो हालात बताने की जो इस वक्त हम देख रहे हैं तुर्की के साथ जो होने वाला है। हमने बस आपको एक हालात बताया, वो भी इन एलीट्स का तुर्की में लगातार आना जारी है इस वजह से। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हजरत महदी अलैहिस्सलाम से पहले कंस्टेंटिनिया, जो तुर्की की राजधानी है और मौजूदा वक्त में उसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, वो मुसलमानों के हाथों से चली जाएगी और उसके बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों कंस्टेंटिनिया को फतह किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।